Welcome to my channel, The Working Hypothesis. My name is Prashant और आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो दो स्कीम्स हैं, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट स्कीम है. कोई भी एग्जाम हो उसमें ये स्कीम्स आनी कन्फर्म है. एक स्कीम तो आएगी आएगी, एक मेगा फूड पार्क स्कीम है और एक है संपदा स्कीम. तो ये दोनों स्कीम्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर आती हैं, जिसकी मिनिस्टर जो है वो हरसिमरत कौर बादल जी हैं. तो आज आइए हम जानते हैं पहले फूड प्रोसेसिंग की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है. ये इंडस्ट्री या ये मिनिस्ट्री हमें क्यों स्टैब्लिश करनी पड़ी. तो आज़ादी के बाद क्या था कि आज़ादी के बाद इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, तो वेस्टेज उतना ज़्यादा नहीं होता था, उतनी क्वांटिटी में नहीं होता था, और फिर हमारे पास रिसोर्सेज भी उतने नहीं थे कि उस टाइम हम प्रोसेसिंग वगैरह की फैसिलिटी स्टैब्लिश कर सकें. उस टाइम हमारी जो प्राथमिक चुनौती जो थी वो थी फूड सप्लाई को बढ़ाना. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद वो फूड सप्लाई हमारी बढ़ी, तो अबंडेंस पहली बार फिर ऐसा टाइम आया कि इंडिया ने अपना पेट भरने के अलावा एक्सपोर्ट करना भी चालू किया. तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक सक्सेस रहा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि जो फूड है वो पेरिशेबल इन नेचर है, ठीक है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है. तो उसकी वजह से उस नीड ये फील हुई कि जो ऑन फार्म वेस्टेज है या फार्म टू मार्केट के बीच का जो वेस्टेज है इसको रिड्यूस किया जा सके किसी तरीके से. तो वो तरीका था फूड को प्रोसेस करना, ठीक है. तो वो प्रोसेस करने, तो उसके लिए जो है मैंने एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाई 1988 में, ठीक है. अभी क्या है कि अभी अब रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको हम सनराइज सेक्टर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है कि अभी इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया देखिए जैसे मिल्क प्रोडक्शन में वन पे है, नंबर वन पे है, लाइव स्टॉक में नंबर वन पे है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सेकेंड पे है, सीरियल्स में सेकेंड पे है. तो हमारे पास, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अपने खाने भर के अलावा जो है अब हमारे पास इतना आ गया है कि हम उसको मार्केट में सप्लाई कर सकें, जिससे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को के का जो पुराना ढर्रा था उसके अलावा अब प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम मूव कर सकें, ठीक है. और उस पूरी प्रक्रिया में एक पेरिशेबिलिटी जो है, ठीक है, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फूड पेरिशेबल इन नेचर, इसलिए हम उसको ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, इसलिए हमें उसको प्रोसेस करना पड़ेगा या फिर उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. तो क्या होता है कि इसमें देखिए कुछ आंकड़े हैं कि पहले तो क्या है कि फूड वेस्टेज कितना होता है इंडिया में, ठीक है. तो फूड वेस्टेज अगर हम सबको मिला लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सीरियल्स को सबको मिला लें, तो 44,000 करोड़ रुपए एनुअली हमारे बर्बाद होते हैं केवल फूड वेस्टेज की वजह से. इसमें 13,300 करोड़ केवल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का शेयर है, ठीक है. क्यों उसका रीज़न पहला क्या कि हमारे पास एक तो कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं. अभी हमारे पास जो है वो 32 मिलियन मीट्रिक टन की अवेलेबिलिटी है, और हमें और एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 61.13 मिलियन मीट्रिक टन और चाहिए, मतलब जस्ट दुगना चाहिए, ठीक है. अब इसका शेयर क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सनराइज सेक्टर क्यों बोलते हैं? देखिए पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में इसकी जो जीडीपी का शेयर है वो 9% है. अब मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको हम एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. तो उसमें जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एफपीआई का अकेला वो 9% है. एनुअल ग्रोथ कितनी है सेक्टर में, वो 10 से 11% है, जबकि एग्रीकल्चर में बिलो 4% है. तो आप देख लीजिए कि कितनी एक डिस्पैरिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में. तो गवर्नमेंट क्या एम्फेसाइज करेगी कि बजाय, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, लैंड फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं. तो बजाय इसके कि एम्फेसाइज किया जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया जाए, इससे ज़्यादा आसान है कि एग्रीकल्चर और जो उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि फूड प्रोसेसिंग वगैरह, इनको प्रमोट किया जाए, मतलब फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर्स में बदला जाए, उनकी जो इनकम है इसी तरीके, एक यही तरीका है इनकम को उनकी इंक्रीज कराने का, ठीक है. तो अब 2016-17 में गवर्नमेंट ने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया कि इन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% एफडीआई को अप्रूव कर दिया है ना. फिर उसके बाद देखिए स्कोप क्या है फूड प्रोसेसिंग का. पहले तो देखिए 125 बिलियन पॉपुलेशन है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है. दूसरा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है उसमें चीप एंड रेडली अवेलेबल रॉ मटेरियल है, आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी. और इसके वर्कफोर्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स है, मतलब स्किल्ड भी है अनस्किल्ड भी है. फिर उसके बाद हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि हर स्टेज पे रिसोर्सेज हैं वो अनटैप्ड है, ठीक है. इसमें जितनी भी स्टेजेस हैं फ्रॉम फार्म टू मार्केट, इसके बीच में जितनी भी स्टेजेस हैं उसमें अभी भी मतलब पूरी अनटैप्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा काम होना
बाकी है, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और एक तरीके से अब देखिए, अब फार्मर से अगर आप देखेंगे, फार्मर अपने अपने फार्म पे अगर एस्टेब्लिश कर ले फूड प्रोसेसिंग प्लांट, तो वो इजी नहीं है ना। उसकी दो रीज़न है, एक तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फंड नहीं है उसके पास इतना, दूसरी उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी नहीं है, और तीसरी क्या है कि मार्केट फिर उसको बनाने में, एक इंडिविजुअल फार्मर को या फार्मर ग्रुप को मार्केट उसकी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक मेगा फूड पार्क स्कीम बनाई जिसके तहत कलेक्शन सेंटर्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स, ये तीनों को स्टैब्लिश किया जाएगा। आइडिया बेसिकली क्या था मेगा फूड पार्क का, कि फार्मर के यहाँ से प्रोड्यूस को, रॉ मटेरियल को उठाना और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में सीधा कंज्यूमर तक पहुँचाना। इसके बीच की जितनी भी प्रक्रिया है उसको मेगा फूड पार्क करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या क्या, पहले कलेक्शन सेंटर, कलेक्शन सेंटर का काम क्या है कि कलेक्शन सेंटर कलेक्ट करेंगे रॉ मटेरियल फार्मर से। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर क्या करेगा कि कलेक्शन सेंटर से वो मटेरियल कलेक्ट करेगा और आगे सीपीसीज को, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा वो मटेरियल। तो देखिए इसमें क्या, कलेक्शन सेंटर क्या करता है, फार्मर से रॉ मटेरियल लेगा। अब वो किससे रॉ मटेरियल ले सकता है, वो इंडिविजुअल फार्मर भी हो सकता है, फार्मर ग्रुप भी हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकता है, कोई किसी से भी वो रॉ मटेरियल ले सकता है। फिर इसको वो पीपीसीज में आगे ट्रांसफर करेगा। इसको मैनेज कौन करेगा सीसी को, लोकल एंटरप्रेन्योर जो है, रूरल गांव स्तर के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो उसको मैनेज करेंगे। और इसका ऑपरेटिंग रेडियस कितना रहेगा, 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर जो रेडियस के अंदर जितने गाँव होंगे वो सबसे रॉ मटेरियल कनेक्ट करके पीपीसीज तक पहुँचाएगा। फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स देखिए क्या करते हैं, ये सीपीसी तक तो मटेरियल पहुंचाएंगे, उसके साथ साथ ये एडिशनल कुछ इनहाउस फैसिलिटीज होती हैं इसमें, जैसे पल्पिंग, जूसिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही एक, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटेड वैंस वगैरह। जैसे इन्होंने मान लीजिए फार्मर से रॉ मटेरियल उठाया, ऑरेंजेस, संतरे उठाए, फिर ये क्या करेंगे, उसको पील भी कर देंगे, ठीक है, उसको पल्पिंग भी कर देंगे उसकी, और फिर उसको जैसे सीपी फाइनल जो वैल्यू एडिशन है वो तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर करेगा ही, ठीक है। तो ये फिर उसको आगे जाके सीपीसी को ट्रांसफर कर देंगे एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, ठीक है। फिर सीपीसी क्या करेगा, एक सीपीसी एक इंडस्ट्रियल पार्क होता है बेसिकली, एक 50 एकड़, एक इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी हुई है, 50 एकड़ में एक पार्क है जो कि पीपीसी से मटेरियल लेगा और उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जैसे कि कुछ भी आपने देखा होगा कि ये जो ऑरेंज जूस या फिर सोडा या फिर टोमेटो सॉस एक्सेट्रा, मतलब जितने भी ये एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं मैक्सिमम, वो जो होता है वो ये आइडिया था कि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट में डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी मैं इसको देखिए इसका इलस्ट्रेशन देता हूँ, ये है मेगा फूड पार्क स्कीम का, कि ये जो सीसीज हैं वो देखिए फार्मर ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से और इंडिविजुअल फार्मर से, तीनों से मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं और वो नंबर ऑफ सीसी मिलके एक पीपीसी को दे रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पीपीसी जो हैं वो मिलके एक सीपीसी को मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सीपीसी क्या करेगा, इसके फिर आगे मार्केटिंग रोल भी है इसके अंदर, कि ये डोमेस्टिक सेल भी कर सकता है, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी, और उसमें अगर कोई अगर रॉ मटेरियल की ज़रूरत है इसको तो वहाँ से इम्पोर्ट भी करा सकता है किसी कंट्री से। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेगा फूड पार्क स्कीम का, तो ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर कट है, एक तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, जब उसकी क्रॉप्स हैं या फिर जो भी चीज़ वो कर रहा है तो जैसे उसकी पेरिशेबिलिटी, मतलब कि जब वो खराब कम होगा तो जाहिर बात है उसकी वैल्यू ज़्यादा रियलाइज होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। दूसरा क्या, ओवरऑल जैसे जैसे ये फूड बिजनेस जो मतलब फूड ये जो फूड पार्क है ये जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ेगा तो फार्मर का बिजनेस जो उससे एसोसिएटेड है उनका भी आराम से बढ़ेगा अपना। फिर दूसरा है कि रिड्यूस वेस्टेज और पेरिशेबल, तो ये तो पूरा फूड प्रोसेसिंग का आइडिया था कि जो भी वेस्टेज हो रहा है उसको मिनिमम किया जा सके, ठीक है, मिनिमम लेवल पे लाया जा सके जिससे कि वेस्टेज में एटलीस्ट पैसे हमारे बर्बाद ना हो। फिर रेज प्रोसेसिंग ऑफ फूड आइटम 6% से 20% तक, एक्चुअली जिस टाइम ये 2008 में स्कीम आई थी उस टाइम जो हमारा शेयर था फूड प्रोसेसिंग का वो 6% था, ठीक है, जितना फूड प्रोसेस होता था वो केवल 6% था, इसको हमें बढ़ा के 20% करना था, करने का एक ऑब्जेक्टिव इसका। फिर इंडिया का जो शेयर, एफपीआई का जो शेयर है इंडिया की जीडीपी में वो 1.5% था उस टाइम, और उसको बढ़ा के कितना करना था, 3%, ठीक है। और एक था कि एम्प्लॉयबिलिटी से बढ़ेगी, अभी देखिए अभी भी ये दोनों बड़ी चुनौतियाँ हैं सरकार के लिए, एक तो फार्मर इनकम बढ़ाना, एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना,
तो ये स्कीम के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, सारे ऑब्जेक्टिव थे। अब मेन फीचर देखिए क्या है स्कीम के, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। एक हर चीज़ आपको एक एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक ही जगह पर है, ठीक है, तो ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। फिर ये देखिए स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो जब आप वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे किसी भी फॉर्म के अंदर, तो कोई भी फॉर्म है जब वो क्या करती है कि जहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है, अगर वो उस फॉर्म को भी एक्वायर कर लेती है तो उसको हम कहेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और वो जहाँ पर उसकी सर्विसेज जाती हैं अगर उस कंपनी को एक्वायर कर लेगी तो उसको हम क्या कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो एक बहुत स्ट्रांग बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की चेन इससे डेवलप हो जाएगी। फिर स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन देखिए एसपीवी के थ्रू होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, इसमें देखिए लैंड जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर लैंड एलिजिबल नहीं, गवर्नमेंट इसमें 50 करोड़ रुपीस की मैक्सिमम ग्रांट देगी, जिसका जनरल एरियाज हैं, जो प्लेन एरियाज हैं उसमें 50% है, और जो हिली एरियाज है उसमें 75%, ठीक है, मतलब। लेकिन इसमें ग्रांट का मैक्सिमम गवर्नमेंट कितनी देगी, 50 करोड़, उससे ज़्यादा ग्रांट नहीं देगी, लेकिन परसेंटेज 50 और 75 है। और इसका कंपोनेंट जो है वो 50-50-50 स्कीम है, मतलब कि 50 करोड़ ग्रांट गवर्नमेंट देगी, 50 एकड़ लैंड डेवलपर को एक्वायर करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, और जो 50 करोड़ उसको खुद की लागत जो है वो लगानी पड़ेगी, ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन। फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल की हम बात करेंगे। देखिए एक क्या है कि एक तरीके से प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर अब स्पेशल पर्पस व्हीकल हम पढ़ते हैं तो जितने भी उसमें शेयर होल्डर होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, टैक्स इक्विटी इन्वेस्टर, डेप्ट प्रोवाइडर और अदर सोर्सेज, इन सबको एक ही अंडर सिंगल अम्ब्रेला जो है वो एक मिला के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है, जिससे कि प्रोजेक्ट को स्मूथली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये स्पेशल व्हीकल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उसी को यहाँ बताया गया है। फिर करंट स्टेटस क्या है एमएफपी का, एमएफपी को इम्प्लीमेंट इसके थ्रू किया जाएगा वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की, जितने भी इसमें शेयर होल्डर हैं सबकी, ठीक है। अब करंट स्टेटस मेगा फूड पार्क्स का क्या है, देखिए ओरिजिनली 2008 में स्कीम आई थी, 2015 तक 42 मेगा फूड पार्क्स बनने थे, पर टिल डेट ये जितनी एनर्जी से ये स्कीम लाई गई थी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अभी तक केवल हमारे पास 12 एमएफपीज हैं, ठीक है, उसकी ये पूरी लिस्ट है। और अगर कोई एग्जाम में पूछ दे कि पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर बना था, वो श्रीनी फूड पार्क था चित्तूर, चित्तूर कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, 2012 में बना था, ठीक है। अब इश्यूज क्या है, क्यों ये स्कीम इतनी क्यों इतनी स्कीम ये हिट नहीं हुई, कि जितना रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट था फिर क्यों ये इतना ज़्यादा हिट नहीं हो पाया, तो उसका इशू पहला था लैंड एक्विजिशन। देखिए लैंड एक्विजिशन मतलब कि 50 एकर लैंड एक जगह होना, स्पेशली इन हिली एरियाज और स्मॉल स्टेट्स में, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। दूसरा एग्री बिजनेस थ्रू कोऑपरेटिव्स, मोस्ट ऑफ द एग्री बिजनेस ऑलरेडी कोऑपरेटिव्स के थ्रू होता है, छोटी मोटी कोऑपरेटिव्स के थ्रू ऑलरेडी होता है, तो उसको इंटीग्रेट करना फिर फूड पार्क के मॉडल में, ये भी अपने आप में एक चुनौती थी। फिर सीसी पीपीसी और सीपीसी को इंटीग्रेट करना आपस में, जिससे कि कोहेरेंसी डेवलप हो, एक तो प्रॉक्सिमिटी भी रहे, पास में भी रहे, ज़्यादा दूर भी नहीं रहे एक दूसरे से, और इंटीग्रेशन भी बना रहे, कि ऐसा ना हो कि सीसी जिस टाइम रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया उस टाइम पीपीसी को उसकी नीड नहीं है या ऑलरेडी उसके पास है, तो ये सब जो टेक्निकल इश्यूज थे वो थे। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर मिसिंग, ग्लोबल इन्वेस्टर ने उसमें उतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी सरकार ने दिखाई थी, तो उसको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उसमें हो नहीं पाया। फिर ये यूपीए 1 के टाइम की स्कीम थी। फिर एनडीए जो गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसने अपनी दूसरी स्कीम निकाली, खुद की स्कीम जो थी संपदा स्कीम। अब संपदा क्या है कि स्कीम फॉर एग्रो मराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है, तो ये भी एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। बस ये फर्क कहाँ पर है, ये फूड मेगा फूड पार्क की अपेक्षा ये ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो ये इसमें एक्चुअली इंटीग्रेट कर दिया गया 4-5 स्कीम्स को। तो ये कंप्लीट कब तक होनी है, 2019-20 तक ये कंप्लीट होनी है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या स्कीम्स को हमने इंटीग्रेट किया है, पहला मेगा फूड पार्क स्कीम इसके अंदर आ गई है, दूसरा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम इसके अंदर आ गई है, फिर जो जितनी भी स्कीम जो वैल्यू एडिशन से डील कर रही हैं छोटी मोटी वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो भी इसके अंदर आ गई है, ठीक है, और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो भी इसके अंदर आ गई। तो संपदा स्कीम जो है 2019-20 तक जो कि इम्प्लीमेंट होना है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने एलोकेशन क्या किया फंड का, 6,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किया है इस स्कीम के लिए, ठीक है। और इसका एम क्या है, पहला क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये स्कीम जो संपदा स्कीम है वो 5,30,500 जॉब्स क्रिएट करेगी।
530,500 जॉब्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी बाय 2019-20, ठीक है, ये 19-20 तक का टारगेट है इनका। फिर दूसरा है कि रिड्यूस फूड वेस्टेज, तो पूरी की पूरी जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो चल इसी पे रही है कि फूड वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। फिर बूस्ट MFP, जो मेगा फूड पार्क है उसको बूस्ट किया जा सके, क्योंकि इसके साथ साथ और भी चीज़ें हमने और भी स्कीम्स जो हैं वो सारी इंटीग्रेट कर दी गई हैं, तो जो भी और इश्यूज थे इसके MFP के साथ उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, उनको बूस्ट किया जा सके। और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब ये स्कीम भविष्य की स्कीम है, अभी ये कितनी हेल्पफुल होती है ये आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स।